कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ स्मोकी कढ़ाई विद तड़का। चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं कोयलों पे बना रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई कोयलों पे चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो गई, अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ। 3-4 बड़ी इलायची हैं, 5-7 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी है और काली मिर्चें हैं 10-12। इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी और साथ ही मैं 2-3 कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ये हमारे साबुत मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4-5 टेबल स्पून है। ये दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी पीस ली थी। ये मैंने मटन लिया है, 3 kg है, 3 किलो है, तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें अपना मटन ऐड करूँगी। मटन को 5 मिनट तक भूनूंगी और इसके बाद मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। हमारा मटन अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 2-3 गिलास पानी डालूंगी। 3 गिलास पानी डाला है इसमें और अब मैं इसको ढक दूंगी, पकने दूंगी। ये मैंने पानी डाल के तो ढकना दे दिया था। ये हमारा गोश्त गल रहा है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। मैंने 2 किलो प्याज लिए हैं, बड़े वाले थे, 8-10 पीस थे प्याज के, 8-10 अदद प्याज हैं, तो ये मैं इसमें ऐड करूंगी। 4 अदद टमाटर लिए थे, ये मैंने डाल रही हूँ, चॉप कर लिए थे मैंने नासा। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके तो हम इसे अब पकने देंगे, जब तक है गोश्त और प्याज हमारा गल रहा। डाल के मिक्स करके प्याज वगैरह डाल के तो ढकना दे दिया था, दरमियान में हिलाया है और हमारा मिक्सर बड़े अच्छे से गल रहा है। तकरीबन हाफ गल गया। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करती हूँ। मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून सूखी मिर्च है, 1 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है और 1 टी स्पून काली मिर्च है और सौंफ और इलायचियाँ, 1/2 टी स्पून सौंफ है और 10-12 इलायचियाँ। ये मैं इसमें छोटी इलायची सब्ज़ वाली डाली है। ये मैं सारे मसाले इसमें ऐड करती हूँ। और ये 2 टेबल स्पून मैंने मीट मसाला लिया है, ड्राई मीट मसाला। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डालूंगी जल्दी। ये मैं डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं कलवंजी डाल रही हूँ। हम इसको मिक्स करते हैं। सारे मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब मैं इसको 15 मिनट तक पकने दूंगी। मैंने ढक्कन देके पकाया है इसे 15-20 मिनट। हमने 15-20 मिनट इसको पकाया है ढक्कन देके, तो बहुत अच्छे से गल गया। अब हम इसमें दही ऐड करते हैं। दही मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव है, 1 प्याला है मेरा, ये बड़े वाला 1.5 पाव दही है। और बस भूनेंगे क्योंकि हमारा गोश्त गल गया है, तो बस हम इसे भूनते भूनते हम ढक्कन के बगैर बहुत अच्छे से भून रहा है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन का जूस डालूंगी, लेमू का, और साथ में 1 कटी हुई सब्ज़ी मिर्च डालूंगी। हम इसे अब भूनेंगे। ये हमारी कढ़ाई बहुत अच्छे से बन गई है, घी भी छोड़ दिया है, बहुत मज़े की बनी है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तैयार करते हैं। फ्राई पैन मैंने रख दिया है,
ये मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। इस पे मैं 1 टेबलस्पून जीरा डालूंगी। चार कड़ी पत्ते डालूंगी, धनिया और 4-5 रेड मिर्चा साबुत वो डालूंगी और हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये हम अपनी कढ़ाई को तड़का लगाएंगे। बहुत मज़े की कढ़ाई तैयार हुई है। अब हम गार्निश करते हैं। सब्ज मिर्च कटी हुई डाली है, सब्ज धनिया डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। हमने अल्युमिनियम का पेपर रखा है, अब हम इसको कोयला रख के कोयले का धुआं देंगे। पका हुआ कोयला रखा है इसके अंदर, ये हमने कोयला रखा है और हम इसको आयल डाला है। अब इसको हम ढकना दे देंगे, 10-15 मिनट हम ढकेंगे और हमारी बहुत मज़े की स्मोकी मीट तड़का कढ़ाई तैयार है। मज़े से खाएं, ईद पे बनाएं, बहुत मज़े की बनी है। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।